देखिए, जबलपुर शहर को तालों का शहर कहा जाता है और इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं इसे रानी ताल कहा जाता है। यकीनन ही हर व्यक्ति यहां से होकर गुजरता है। वैसे ही गड़ा फाटक की बड़ी महाकाली के दर्शन अगर आपको करने हैं तो यहीं से होकर इसी चौराहे से होकर गुजरना होगा। यहां से तकरीबन 450 या 500 मीटर की दूरी में बड़ी महाकाली विराजित होती है। आइए ले चलते हैं उन तक आपको। देखिए, हम पहुंच चुके हैं गड़ा फाटक की वृहद महाकाली के पंडाल के समक्ष। इनके इतिहास के विषय में कहा जाता है कि इन्हें सबसे पहले स्वर्गीय रामनाथ यादव जी के द्वारा चरहाई में स्थापित किया था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ये गड़ा फाटक में स्थापित होने लगी। जिस जगह अभी मूर्ति विराजित है वो स्वर्गीय रामनाथ यादव जी की ही जमीन पर अभी विराजित है। ये वाला वर्ष उनका 119वां वर्ष है जब माता रानी को यहाँ पर विराजित किया गया है। उस समय हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने जो उनको स्वर्गीय रामनाथ जी यादव मालगुजार थे, प्रतिष्ठित आदमी थे, तो जिस जगह पे जहाँ आज माता बैठी है ये जगह उन्हीं की है। तो उनका इधर साइकिल स्टैंड लगता था, वो साहूकारी का काम था उनका, तो बड़ा काम था उनका, तो साइकिल स्टैंड लगता था। तो उनने जो जगह माता के लिए निर्धारित कर दी उसमें मूर्ति बैठा ली है जी। अब किस सन में बैठी है ये तो मैं बताने में असमर्थ हूँ, पर पहले जो चरहाई में रखी जाती थी, पुरानी चरहाई में, उधर से क्या है कि एक अकेली जो प्रतिमा सुनरियाई नुनियाई वगैरह इस क्षेत्र की बहुत प्रतिमाएँ जो रहती थी उसमें नामी मूर्तियाँ रहती थी है जी। तो उन्होंने उधर से जो एक हिंदू मुस्लिम जो होता था सर, बहुत झगड़े होते थे बसा, तो लोगों ने उनसे आग्रह किया तो फिर उनने इधर लाके उसको माई को व्यवस्थित किया। के परिवार के द्वारा और तमाम समिति के जितने सदस्य हैं उनके द्वारा माता रानी की सेवा बहुत ही अच्छे से की जाती है। आइए आपको भी ले चलते हैं माता रानी के दर्शन करीब से करवाने। देखिए, वैसे तो गड़ा फाटक की वृहद महाकाली के विषय में बहुत सारी गाथाएं हैं, बहुत सारी कहानी हैं, बहुत सारे किस्से हैं और उनके चमत्कारों से भी लोग अवगत होते रहे हैं। अभी जहां पर मूर्ति विराजित है महाकाली की, उन्हें वहीं पे बनाया जाता है। बनाने वाले का ये कहना है कि मैं मूर्ति नाप के बनाता हूँ, उनकी ऊँचाई तय होती है कि उस ऊँचाई तक बनाना है, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा अलौकिक चमत्कार होता है कि माता रानी की मूर्ति अपने आप 1 फीट 1.5 फीट से ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार में भी ऐसा ही कुछ चमत्कार हुआ है कि माता रानी की मूर्ति बड़ी है और एक खास विशेषता यहाँ की ये है कि माता रानी को मखाने की मालाएं चढ़ाई जाती हैं और उसी का प्रसाद माँ भक्तों को दिया जाता है। मूर्ति को महीने भर लगता है, क्योंकि समय था हमारे पास 10 दिन का, तो मूर्तिकार ने 10 दिन में हमारी प्रतिमा तैयार हुई है, वो माता के आशीर्वाद से हुई है। ये मतलब अद्भुत चीज है, वो भी 50 मूर्ति बनाता है और 10 दिन में कैसे तैयार हुई वो तो देवी सब समझ के बाहर है। और अभी क्या है, इस वर्ष से ये तो अचानक कई वर्षों में 1 फुट से 1.25 फुट मूर्तिकार का कहना ये है कि मूर्ति मैंने पूरी बना दी है, सूख रही थी मूर्ति, उसके बाद में ये 1 फुट 1.25 फुट कैसे उठी है ये नहीं समझ। वैसे तो कहा जाता है कि कोलकाता की नवरात्रि पूरे विश्व में फेमस है, लेकिन हमारे जबलपुर संस्कार धानी का जो नवरात्र का पर्व है वो भी किसी से कम नहीं। आपको यकीन एक बात बता दूं कि यहाँ का जब दशहरा निकलता है, चल समारोह निकलता है, तो गड़ा फाटक की महाकाली को देखने के लिए हजारों की भीड़ में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। और एक खास बात बता दूं आपको कि जब गड़ा फाटक की वृहदकाली की मूर्ति वहां से रोड से होकर गुजरती है तो यकीन मानिए आप उसके पीछे भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन उसके पीछे जब आप रोड देखेंगे तो पूरी रोड आपको खाली दिखाई पड़ेगी। हमारी जो मूर्ति निकलती आई है तो दशहरा की एक चल समारोह जो मुख्य चल समारोह है उसकी एक आन बान शान समझ लो आप, तो वो रहती है।
तो ये मूर्ति जिस नंबर पे रहती है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, यानी आखिरी से दो नंबर या तीन नंबर आगे चलती है, क्योंकि पूरे शहर को यानी बांधना, एकत्रित करना। रामलीला निकलता है, रामलीला के बाद बहुत जनता की रामलीला के दर्शन हो गए तो वो निकल जाती है। वहाँ की जितने श्रद्धालु लोग खड़े रहते हैं तो माई के लिए खड़े रहते हैं वो, तो माता जैसे जहाँ से जिस रोड से आ रही है, मालवी चौक जैसे पहुँची और आगे बढ़ी है, तो उसके पीछे की प्रतिमा जो है वो तो है, पर ये जनता जो है श्रद्धालु लोग चारों तरफ से अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो एक चल समारोह की जो गरिमा है या चल जो श्रद्धालु हैं, तो इसलिए वो आगे यदि चली जाएगी तो वो पूरा दशहरा चल समारोह समाप्त तो हो जाएगा। इसलिए क्या उस चल समारोह को देखते हुए हमको नंबर से नहीं, हमें शहर की देखिए, जबलपुर संस्कार धानी के तमाम माँ भक्त लगातार दर्शन करने के लिए माता रानी के दरबार में जरूर आते रहते हैं। लेकिन आप अगर दूसरे शहरों में रहते हैं या दूसरे प्रदेश में रहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से गड़ा फाटक की वृहद माँ काली के दर्शन कर सकते हैं। तो ये इनकी कुछ खास विशेषता, कुछ खास खूबी थी जो हमने आप तक पहुँचाई। देसी टीका आप तक कोशिश कर रहा है कि जबलपुर शहर संस्कार धानी के तमाम मंदिरों की कुछ खास विशेषता आप तक पहुंचाई जाए। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें तुरंत तत्काल, और YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें।